इंटरेस वेलकम टू एलिसब्लू, मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहां पे एंट्री हो सकता है। तो आप देख सकते हैं एक क्रूड ऑयल मैंने 15 मिनट चार्ट लिया है, तो क्रूड ऑयल स्टिल अप ट्रेंड में चल रहा है, तो यहां पे हमें एंट्री कहां तक करना है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेंगे तो हम सिर्फ बाय ही लेंगे, ठीक है। सो जब मार्केट अप ट्रेंड किसे हमको पता चलेगा, जब मार्केट मूविंग एवरेजेस एक जैसे 100 वाला मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज ऊपर है नीचे, आप देख सकते हैं 50, 100, 100 एंड 200 मूविंग एवरेज ये रेंज हो रहा है, राइट। तो ऐसा जब रहेंगे तो हम सिर्फ बाय ही रहेंगे, अगर मूविंग एवरेज छोटा वाला नीचे में आ गया तो हम सेल में ही जाएंगे। तो इसमें देख सकते हैं मूविंग एवरेज ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ है सब, राइट। तो इसमें हमें बाय लेना है, लेकिन बाय एंट्री कहाँ करेंगे, अगर देखेंगे आप मूविंग एवरेज ऊपर में है तो इधर बाय करेंगे तो मार्केट क्रैश हो गया, राइट। तो इधर बाय करेंगे तो मार्केट नीचे आ गया, तो हमें बाय कहाँ करना है, यहाँ पर ये एरिया में, राइट। तो बाय हमें करना है, लेकिन हमें पता किसे से लगे इधर हमें बाय करना है, राइट। तो इसलिए मैंने आपको दिखाएंगे और आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये एरिया में मूविंग एवरेज के नीचे में है, राइट। तो यहाँ पे हम तो इसका मतलब है इधर सेल करना है, राइट। मूविंग एवरेज का नीचे है, इधर सेल करना है, और सेल किया तो मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कैसे सेल नहीं करना है, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट हो सकता है सपोर्टिंग जोन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो सपोर्टिंग जोन को निकाल लेंगे, राइट। तो जैसे हम सपोर्टिंग जोन पास रहेगा, जैसे मार्केट नीचे आ रहा है, सपोर्टिंग जोन का पास आ गया, तो यहाँ से हम सेल करना बंद कर देंगे, राइट। ठीक ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन आ गया तो यहाँ से हम बाय करना बंद कर देंगे, मूविंग एवरेज की ऊपर में रहेगा तो हमको निकलना है ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट, राइट। तो इसलिए हम देखेंगे अभी यहाँ पे, जैसे पहले हम डेली चार्ट में देख लेते, तो डेली चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन मिला हुआ है हमें, राइट। एग्जैक्टली यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लाइन मिला, तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लाइन के आसपास हमने एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जहां पे हमें एक रेजिस्टेंस मिल जाए। तो मैंने ये डाल दिया 4000 के आसपास, 4100 के आसपास। तो अभी देखेंगे 15 मिनट में, राइट। तो आप देख सकते हैं ये 15 मिनट में मैंने जो रेजिस्टेंस लाइन डाला तो यहाँ आ गया, आप 4084 में आप हमें रेजिस्टेंस मिल गया, राइट। तो अभी हमें बाय करना है, अगर हम बाय करेंगे यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे बाय करेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा 4080, राइट। तो वहाँ पे हम मार्केट से निकल जाएंगे, नहीं तो कोई आदमी जो लॉन्ग पोजीशन ऊपर जाने वाला है तो इसके लिए ट्रेलिंग भी कर सकता है, वो मार्केट ऊपर जा रहा है, आप एसएल को ऊपर लेके ट्रेलिंग भी कर सकता है और नेक्स्ट टारगेट के लिए, राइट। तो इसलिए हम ट्रेल भी कर सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं अगर हम बाय करें तो हमें मिला नेक्स्ट टारगेट कितने में, या 4080 और 4100 के पास। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया, अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया मार्केट, तो यहाँ से नेक्स्ट टारगेट रहेगा 4140 का आसपास, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।